कि भैया हमें ऐसो मालूम पते तुम लोग बोल ना पाता हो काई बताया है कि दुकान सामान वही बेचता जिसके दुकान होती है, सामान वही बेचता है जिसके दुकान होती है, और जयकारा वही बोलता जिसके जवान होती है। तो भैया अगर जवान हो तो बोलो और ना हो तो कोई जबरदस्ती ना है, और अगर भगवान को जयकारा ना अच्छो लग रहा तो बताओ हम मिथुना को जयकारा लगवा दे, बताओ, और राधा रानी को जयकारा ना अच्छो लग रहा गंगा मैया को बताओ श्री देवी को जयकारा लगवा बोल दो, खाली तुम लोग बता दे बोले गंगा मैया की बोले गोविंद भगवान की। तो आइएगा भक्तों कथा कर चलते हैं भाव के साथ, किस प्रकार से आज वो बेटा बड़ा होने लगा है जब 5 वर्ष का हुआ है, और 5 वर्ष के बाद में महाराज ब्रज की लीला वो भगवान को अच्छा नहीं लगा, और जब परमात्मा को वो अच्छा नहीं लगा तो महाराज आंखों से अंधे हो गए, और दुश्मनों ने जब ये बात को जाना है कि महाराज आंखों से अंधे हो चुके हैं तो आज महाराज के उस राज पर कब्जा कर लिया, और तो रानी को बात मालूम हुई है। लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, जब रानी ने जाना है कि महाराज अब तो दुश्मन भी अपने अपने राज पर कब्जा कर चुके हैं क्या होगा, तो महाराज वो दुश्मन बैरी जब आए हैं महाराज से गेट को खुलवाया, और रात के समय जब गेट को खोल दिया और जवाब दिया दुश्मनों ने कहा है ऐसा है महाराज, ऐसा है कि देखिएगा अब ये राज हमारा हो चुका है, और क्या कहा है अरे सब I'm gonna make it.
याद रखना भक्तों, आज जैसे ही शिविर आगे बढ़ा तो महाराज क्या हुआ है, अब जो लला रहे हैं अब भगवान की लीला, जब महाराज आंखों से अंधे हो गए, दुश्मन ने कहा है कि अब आपका राज नहीं है, इस राज को छोड़ करके इच्छा होती है प्राणी वहां चले जाओ, और महाराज जैसे ये कहा है। लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, क्या हुआ जैसे ही धर्म महाराज, अब रानी मन में दुखी होने लगी है और कहने लगी गहरावत का माता जी भाव से भगवान जी के चरण निदान की सदा कल्याण हो और हमेशा सुख शांति प्रदान हो। तो आज जैसे ही महाराज इधर वो महारानी दुखी होने लगी और महाराज से बोली, पिया एक बात बताओ। बताओ क्या बात है। बात जा है महाराज, इतने दिन बीत चुके हैं और आपके जो दुख हुआ है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या होने वाला है। और आज महाराज से बोली, बताओ साधन क्या होना चाहिए। तो आज क्या बताया है, अब हमारा पकाय से गुजारा नहीं होगा, ऐसा है अब इस राज्य को त्याग दो, इस बहन को छोड़ दो, और इस राज्य को छोड़ करके अब इच्छा हो वहां चलो। रानी ने जैसे ये शब्द सुने अपने पति की बात को माना है, और भैया हम आप जाय कहना है, माता बहनों याद रखना अपने पति से बढ़कर के दुनिया में कोई भगवान नहीं है, तो अपने पति की बात को मानना चाहिए। और भैया मानने वाली मानियो जाना, मानियो कहो दिन कुआं में गिराए दे। हाँ याद रखना, तो महाराज इधर जैसे ही रानी से कहा है ऐसा है, अब क्या होगा, ये तो राज सारा कुछ दुश्मनों का हो चुका है, मेरा कुछ नहीं रहा, इसीलिए आपसे कहता हूँ इस राज्य को छोड़ दो, इच्छा होगा चलो भैया। अब रानी ने क्या किया, बाई समय पे अपने पति की कलाई को पकड़ा है, लला को गोद में लिया है, रानी से ब्याह महाराज ध्रुमकसेन चल दिए, बेटा सत्यवान साथ में जा रहा है। और जैसे ही बेटा सत्यवान आगे को बढ़ा है तो भैया एक जंगल में पहुंचे, और जब जंगल में पहुंचे हैं तो क्या हुआ है मालूम, एक जंगल में जब पहुंचे हैं लेकिन मन में सोच रहे हैं, भगवान ये नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से कैसे समय को बिताए। तो महाराज एक टूटी सी झोपड़ी बनाई है, आइएगा भाव से चलते, एक बार सुंदर भजन और इसके बाद आगे पावन कथा।
बोली गंगा मैया की, बोले गोविंद भगवान की। आइए देखते हैं, एक भक्त अपने भगवान से कहता है, प्रभु मेरी को बात सुनो। और क्या बोला है वो भक्त? कि तुमसे मिलने को, तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान बचलने लगे। चली है और पहुंची एक जंगल ने छोटी सी झोपड़ी बनाई है, और बाके बाद में अपने लला को गोद में लिया, भैया सारा राज त्याग दिया। याद रखना वो रानी जिसकी सेवा में दस दस दासियां, आज वो रानी अकेले गए। और महाराज जब रानी अकेले है भक्तों, याद रखना आज उसी समय क्या हुआ है, जब महाराज दुखों का सामना करती हुई अपने समय को गुजारने लगी। और जब समय को गुजारने लगी भक्तों, लेकर क्या हुआ है भाई समय पे, आज कैसे वो गुजारा कर रही है रानी से प्यार। अब लला को जमीन पे सुला देती है भक्तों, और जमीन पे सुला करके और पता है फिर लकड़ी बीनने जाती है कैसे, कि बेटा को जमीन सुला करके और लकड़ी को बीनने जाती है। आज बुरानी जैसे चली है, अब बेटा को जमीन पे सुला
बुला दिया है बारह सोलह छोड़ दो है झोपड़िया में। और बरानी जब चली है भैया लकड़ी को बीनने के लिए, बरानी बताइएगा महाराज वो भगवसेन की पत्नी, और जब चली है तो क्या हुआ है कि बेटा को जमीन सुला करके लकड़ी को बीनने जाती है। अरे उनको बीरन बेच बेच फिर आता शहर से लाती भैया रानी से राज रहे। अब तो लकड़ियां बीन ले जाती है, बीन करके शहर में बेचती है, बेच करके आटा खरीद के लाती है। और भैया बच्चों पड़िया में रूखी रोटी बनाए रही है, और जब झोपड़ी में रूखी रोटी बनाती है वो तो बेटा को और पति को देने के बाद जो बच जाती है वो खुद पाती है। याद रखना भक्तों, हमारे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे पतिव्रताओं ने कष्टों का सामना किया है, लेकिन भक्तों अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो याद रखना भक्तों, मैया ऐसे गुजारा करने लगी है। धीरे धीरे क्या हुआ वो लला जो रहे भैया वो तो बड़ा हुआ है कैसे, I'm gonna go get some more.
याद रखना भक्तों, अब समय आगे बढ़ा है तो अब पे बेटा जराए सत्यवान बे बड़े भाई तो अपनी मैया से बोले, मैया ऐसो है देखो अब तक तुमने हमें पालो है और अब मैया हम बड़े हो गए हैं ठीक है, और मैया तुम कहूँ ना जाओगी और आज से लकड़ियां काटने हम जाएंगे। हाय मैया ने बात सुनी बारस लल्ला है, हाय मैया के आंखन में आंखन में आंसू आ गए, कहने लगी है बेटा जा बताओ अब तुम बारे हो अब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बोला है नाय मैया हम छोटे देखने में लग रहे हैं लेकिन मैया जो काम करती है। बोलला छोटो इस साथ में रात तो मैया के तो बोलला कान लगो मैया हम सब काम कर लेंगे सिर्फ तुम मेरी एक बात मान जाओ। और भैया आज वो बताया है महाराज बोलला जो राय सत्यवान मैया से अब काम नहीं करने देता है। बोला है मैया तुम नहीं करोगी अब हम जाएंगे और मैया के हाथ से भैया वो कुल्हाड़ी को ले लिया है बल्लला ने अब लकड़ियां काटने लगा। मैया जो पड़िया में रहने लगी है अब जब समय आगे को बढ़ा है लेकिन भक्तों एक बात याद रखना समय बहुत बलवान होता है नहीं पता होता है लेकिन जब समय आगे बढ़ा तो क्या हुआ एक दिन की बात है भैया। इधर क्या हुआ है कि महाराज हुए हैं अश्वपति, अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी तो समय जब आगे को बीता है तो महाराज अश्वपति के आंगन में एक बुढ़िया का जन्म हुआ है। कैसे अश्वपतिया की लाड़ी ली अरे महाराज अश्वपतिया की लाड़ी ली अरे महाराज कोई साथी प्रिय सुकुमार अब महाराज के आंगन में जब बिटिया ने जन्म लो है भैया बहुत सुंदर है लड़ो अश्वपतिया की लाड़ी लिया महाराज कोई शादी प्रिय सुकुमार महाराज की बिटिया जो रहे बहुत सुंदर रहे बहुत सुंदर है बिटिया पता ना चलो भैया कितना हसीन चेहरा बहुत सुंदर है कि कितना हसीन चेहरा प्यारी प्यारी आंखें प्यारी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता इस रक्त का करिश्मा है या कोई बिटिया
मैया बहुत सुंदर है, चाहू ना मालूम पत्ते का भगवान और सावित्री है या कोई देवी को बिटिया बता रहे है। गौ महाराज बहुत सुंदर है, बात सही है। एक बात याद रखना, जब महाराज अशुपति की कोई संतान नहीं हुई तो महाराज ने मैया दुर्गा की तपस्या की थी, तो मैया दुर्गा ने कहा था हम आपसे पूछेंगे वरदान मांग लो, तो उन्होंने वरदान में कहा था कि मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है, तो मैया दुर्गा से कहा था कि महाराज ने कि मेरे आंगन में कोई संतान नहीं है, वरदान ये दे दो कि हमारे आंगना में कोई बिटिया हो जाए वो तुम्हारे जैसी। तो महाराज जो दुर्गा जी ने कहा था ठीक है महाराज राजन, हम तुम्हें वरदान तो दे रहे हैं लेकिन अभी नहीं, समय बीतने दो, हम खुद ही तुम्हारे आंगन में आएंगे। तो मैया दुर्गा ने, और मैया दुर्गा की कृपा हुई थी तो आज वो सावित्री जी है बहुत सुंदर है। तो आज जो सावित्री इतनी सुंदर है और भैया और सुंदर के लिए सुंदर पर बहुत जरूरी होते हैं। हाँ तो आज भैया जब मैं बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी कैसे, दिन रात ललिया बढ़ने लगी जो बात दूजो चंद Thank you.
याद रखना भक्तों, अब बिटिया सावित्री ये लंग बड़ी हो रही, लला बेलंग बड़े हो रहे। याद रखना भैया समय आगे बीता, और जब समय आगे बढ़ा तो क्या हुआ है। आज इधर महाराज अशुपति की बिटिया अब धीरे धीरे बड़ी हुई, तो एक बार की बात महाराज बिटिया अंगना में खेले सखियों के साथ में। हाँ, पहले हम बहुत खेलती थी। हाँ, गिद्धा बिरिया बहुत बढ़िया थी।